हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों तक मेरी आवाज आ रही है तो एक बार कंफर्म कर दो, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो जल्दी से कंफर्म कर दो, आवाज मेरी आप लोगों तक पहुंच पा रही है सही से? हाँ जी, मेरी लोग बता दो यार। हाँ जी, जय हिंद, जय हिंद सब लोगों को। जल्दी से कंफर्म, वैसे यानी कि आवाज पहुंच ही रही होगी फिर। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। यार चलो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। और पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के इवेंट, इंपॉर्टेंट इवेंट्स बिटवीन 1928, शुरू किया था, डिस्कस नहीं किया था, डिस्कस करना शुरू किया था 1928 से 1947 के बीच के इवेंट्स। और हमने डिस्कस किया था कि नेहरू रिपोर्ट एक चैलेंज का नतीजा थी। लॉर्ड बिर्कनहेड जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे 1925-26 में, उन्होंने एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में भारतीय नेताओं को चैलेंज कर दिया था कि अगर तुम इतने ही काबिल हो, अगर तुम्हें हमारे बनाए हुए साइमन कमीशन पे भरोसा नहीं है, हम अंग्रेजों की व्यवस्था पे भरोसा नहीं है, तो अपने लिए संविधान खुद क्यों नहीं बना लेते? अगर इतने काबिल हो तो संविधान खुद बना लो और तुम्हारे लिए उसी को लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई थी। और उसके बाद फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1928, जहां नेहरू रिपोर्ट को कांग्रेस ने अप्रूव कर दिया, अप्रूवल मिला क्या कि भाई हम आगे नेहरू रिपोर्ट जो है इसको अंग्रेजों को ऐसे का ऐसा ही सौंप देंगे। लेकिन यहां पे एक बात को लेके जो है चर्चा थी कि यंग लोग कह रहे थे पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं और बुजुर्ग जन कह रहे थे कि हम मांग करेंगे सिर्फ डोमिनियन स्टेटस की अभी के लिए। क्यों? क्योंकि हमने बड़ी मुश्किल से लोगों की राय जुटाई है, कंसेंसस जुटाया है डोमिनियन स्टेटस के लिए, सरकार भी इस पर राजी हो गई है, और अब हम अगर एकदम से अपनी मांग को बदल देंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसी वजह से इस सेशन में यंग लोग, सुभाष चंद्र बोस, सत्यमूर्ति और जवाहरलाल नेहरू, ये चाहते थे कि सिर्फ पूर्ण स्वराज पे बात हो, डोमिनियन स्टेटस नहीं, ये यहाँ पे चर्चा का विषय था। ठीक है, तो उस समय पे ये फैसला लिया गया कि 1-2 साल की मियाद हम दे देते हैं। सीनियर नेताओं ने कहा 2 साल के अंदर अगर हमारी डोमिनियन स्टेटस की मांग नहीं मानी गई तो हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। लेकिन यंग लड़कों ने कहा, जवाहरलाल नेहरू जो उस समय यंग हुआ करते थे, सुभाष चंद्र बोस और सत्यमूर्ति, के हम सिर्फ 1 साल का समय देते, 1 साल का ग्रेस पीरियड, अगर उन्होंने इसके बीच में हमारी मांग मान ली तब तो ठीक है, नहीं तो फिर हम सिर्फ पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। लॉर्ड इरविन ने 31 अक्टूबर 1929 के दिन एक डेक्लेरेशन किया। डेक्लेरेशन क्या था? ये तकरीबन आठ ये कह लीजिए 10 महीने बीत चुके थे इस बात को, और 2 महीने और बीतने के बाद तो 1 साल के मियाद वैसे ही पूरे होने वाली थी। 31 अक्टूबर 1929 के दिन, 31 अक्टूबर 1929 के दिन ये डेक्लेरेशन आया, ऑफिशियल गजट में छपा के एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की जाएगी, राउंड टेबल गोलमेज सम्मेलन करवाई जाएगी लंदन में, जहां पर सारी पार्टीज के प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा, अंग्रेज भी वहां पर बैठेंगे, और वहां पर साइमन कमीशन की रिपोर्ट सबके साथ साझा की जाएगी, सबको पॉइंट दर पॉइंट बताया जाएगा कि उसने की फाइंडिंग्स क्या थी, उसने किन कानूनों में खामियां पाई है। एक चीज और, एक पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूं, साइमन कमीशन का एक और नाम भी था, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। स्टैच्यूट मतलब कानून, जो कानूनों की समीक्षा करने आया था, इसीलिए उसका नाम इंडियन स्टैच्यूटरी कमीशन भी था। शब्द में लिख के दिखा देता हूं यहां पर आपको, स्टैच्यूटरी। इंडियन स्टैच्यूटरी कमीशन भी था उसका नाम, ठीक है, इंडियन स्टैच्यूटरी कमीशन। क्यों? क्योंकि
क्योंकि वो कानूनों की समीक्षा करने के लिए आया था, क्योंकि उसमें भारतीय मेंबर कोई नहीं था इसलिए काले झंडे दिखाए गए थे। लेकिन उसने कुछ समय भारत में बिताया और उसने अपनी रिपोर्ट तैयार की, और इसको ही डिस्कस किया जाना था कहां, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस में, जिनको प्लान था कि लंदन में ऑर्गेनाइज की जाएंगी। और ये इरविन का डिक्लेरेशन यही बात जो है कहने के लिए बेसिकली ये डिक्लेरेशन आया था। इसके 2 दिन बाद कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, 2 नवंबर 1929 को। इन्होंने कहा कि हम, अगर आप डोमिनियन स्टेटस की मांग हमारी नहीं मानते तो कोई मतलब नहीं है कि हम आके आपके साथ जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठे। उसके अलावा एक और शर्त है कि अगर कांग्रेस को सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दोगे, सबसे ज्यादा मेंबर कांग्रेस के होंगे, तभी सिर्फ हम जो है इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। तो दिल्ली मैनिफेस्टो क्लियर था, कांग्रेस ने अपनी बात साफ कर दी थी, लेकिन सरकार भी अपनी तरफ क्लियर थी। सरकार ने भी कह दिया कि हम इंटरेस्टेड नहीं है, आपको नहीं आना तो मत आइए, तब तो ये कह दिया था कम से कम कांग्रेस को, ठीक है। उसके बाद लाहौर सेशन आया, दिसंबर आ गया, 1 साल की मियाद पूरी हुई, और 1 साल की मियाद पूरी होने पर बात अब आगे बढ़ चली थी। अब डोमिनियन स्टेटस की मांग नहीं होने वाली थी, 1 साल पूरा हो गया था और अब सिर्फ और सिर्फ बात होनी थी पूर्ण स्वराज के ऊपर, क्योंकि अब पूर्ण स्वराज से कम भारत में नेताओं को कुछ मंजूर नहीं था, और इसीलिए पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन लिया गया। दिन चुना गया 26 जनवरी 1930 का। देखो 26 जनवरी 1930 जो दिन चुना गया कि इस दिन हम अपना पूर्ण स्वराज डे डिक्लेयर करेंगे या फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। इसीलिए तो शायद जब भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद हमारा संविधान रचा जाने लगा, संविधान भी बनके तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। फिर हम 2 महीने रुके क्योंकि यही दिन 26 जनवरी जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पूर्ण स्वराज डे डिक्लेयर किया था, ऑल्दो इस दिन आजादी नहीं मिली, तो इसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान जो है लागू किया गया। इसी मेन जो दिन था पूर्ण स्वराज डे, इसी के उपलक्ष्य में जो है वो 20 साल के बाद हमारा संविधान उसी दिन लागू किया गया, ठीक है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट करने का डिसीजन लिया गया लाहौर सेशन में, कांग्रेस का जो ये सेशन था 1929-1929 का, रावी नदी के तट पे हुआ था ये भव्य कॉन्फ्रेंस। और यहां पर जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट चुना गया था। इस साल पिछले साल 1 साल पहले 1928 के सेशन में उनके पिता मोतीलाल नेहरू जी को चुना गया था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू को इसलिए चुना गया था क्योंकि उन्होंने वो जो नेहरू रिपोर्ट थी वो तैयार की थी, उस वो उनके ही मार्गदर्शन में वो रिपोर्ट तैयार की गई थी, इसीलिए 1928 के सेशन में वो थे कांग्रेस प्रेसिडेंट। और 1 साल बाद समय बदला था, नई पीढ़ी के हाथ में कमान सौंप भी गई थी, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस प्रेसिडेंट चुने गए थे। इस बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस प्रेसिडेंट बने और उनका जो काफी समय से ये मानना था कि हमें सिर्फ पूर्ण स्वराज मांगना चाहिए, उसी पर डिसीजन हुआ, 26 जनवरी को चुन लिया गया, 26 जनवरी को चुन लिया गया। लेकिन ये सेशन का आखिरी दिन था 31 दिसंबर 1929 को, ये आखिर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कांग्रेस का हर साल सेशन आखिरी के 5-6 दिनों में होता था, और आखिरी दिन था 31 दिसंबर 1929। इस दिन रावी नदी के तट पे जवाहरलाल नेहरू साहब ने जो है हमारे एक झंडा फहराया और नारा जो है बुलंद किया, इनकलाब जिंदाबाद। ये था वो सेशन, ऐतिहासिक सेशन 1929 का लाहौर सेशन। इसके बाद 26 जनवरी 1930 भी आ गया, ऑल्दो आजादी तो नहीं आई, लेकिन गांधी जी ने इस दिन कहा कि अब पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस हासिल करना हमारा इकलौता मकसद है, और अब अगर हम अंग्रेजों के खिलाफ इस सरकार के खिलाफ और झुके तो ये इंसान और गॉड के नजर में ये एक तरीके से जो है वो क्राइम होगा, और अब हमें इनके आगे बिल्कुल नहीं झुकना है, ठीक है। तो उसके लिए फिर उन्होंने क्या किया कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है वो हासिल करने के लिए अब हम अपने सब तरीके अपनाएंगे, हम सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत करेंगे। सिविल डिसोबीडियंस मतलब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें हम इनके सारे बनाए हुए कानून जो ऐसे हैं जो लोगों के प्रति न्यायपूर्ण नहीं है, जो खराब जिनके जो इनके बनाए हुए कानून है उन सबको तोड़ेंगे, ठीक है। कांग्रेस ने लोगों को पूर्ण स्वराज कैसे हासिल करना है उसके लिए इंस्ट्रक्शन या जो जो ये कह लो गाइडलाइंस भी जारी करनी शुरू कर दी, के दिशा निर्देश कि भाई अब क्या करना है आप लोगों को। तो एक तरीके से तैयारी हो गई थी सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम की,
गांधी जी ने अपनी 11 डिमांड्स आगे रखी 31 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी को ऑल दो सारा काम हो गया था, लेकिन उसके बाद जो है चलिए, तो उसके बाद 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने अपनी 11 डिमांड्स आगे रखी। पिछली बार हमने डिस्कस की थी, क्या थी वो 11 डिमांड्स, के एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर जो आर्मी और सिविल सर्विस पे किया जाता है उसे 50% तक घटाया जाए, शराब को पूरे तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाए, बिल्कुल बैन कर दिया जाए, सीआईडी डिपार्टमेंट में बदलाव किए जाए, रिफॉर्म किए जाए, ताकि वो अपने ही लोगों के खिलाफ जो है वो जासूसी, इंडिया के जो आम लोग हैं उनके खिलाफ जासूसी जो है वो बंद करें। उसके अलावा आर्म्स एक्ट जो है उसमें बदलाव किए जाए, ताकि पॉपुलर मतलब, क्योंकि लोगों को चाहिए क्या, लोगों को अगर सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही तो कम से कम जो है वो अपने लिए लाइसेंस लेकर हथियार तो रख सके घर में अपनी खुद की सुरक्षा के लिए। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ा जाए और पोस्टल रिजर्वेशन बिल को एक्सेप्ट किया जाए। तो ये सारी चीजें थी। बुर्जुआजी यानी बिजनेस स्पेसिफिक कुछ डिमांड थी कि रुपी और पाउंड स्टर्लिंग जो है इसका एक्सचेंज रेशियो सुधारा जाए। मतलब पाउंड को आपने बहुत महंगा कर दिया, रुपए को सस्ता कर दिया, ताकि ब्रिटेन में बैठे व्यापारियों को फायदा हो, इंडिया में बैठे हुए व्यापारी जो इंडियन व्यापारी उनको नुकसान हो। टेक्सटाइल प्रोटेक्शन को लागू किया जाए, ये डिमांड थी कि भाई भारत में आप अंग्रेजी टेक्सटाइल या कपड़े जो है यहाँ पे डंप मत करो, यहाँ पे आपके मशीनों से बने हुए प्रोडक्ट तो बहुत सस्ते पड़ते हैं, तो आप यहाँ पे बेचोगे तो हमारी यहाँ की इंडस्ट्री डूब जाएगी, तो इसके लिए टेक्सटाइल प्रोटेक्शन के लिए नियम लागू कर। कोस्टल शिपिंग सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए रिजर्व रखी जाए। ये तीन डिमांड थी बिजनेस स्पेसिफिक। किसानों की पीजेंट स्पेसिफिक डिमांड थी कि लैंड जमीन पर लगने वाले टैक्स को 50% कम किया जाए, और नमक पर जो टैक्स है उसे खत्म किया जाए, और सरकार की मोनोपोली को भी जो है अब खत्म करने का समय आ गया है। ये 11 डिमांड थी गांधी जी की। गांधी जी ने कहा कि मैं आपको 40 दिन का समय और देता हूं, 31 जनवरी को दिया, 40 दिन बीत जाएंगे तो फिर हम नहीं रुकेंगे और फिर हम आपके सारे कानून तोड़ना शुरू करेंगे। ये बात हुई। 2 मार्च आ गया, 2 मार्च को गांधी जी ने वॉइस रॉय को चिट्ठी लिखकर यह बताया कि मैं 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, अभी 30 दिन हुए, 40 दिन पूरे हो जाएंगे, और 12 मार्च को मैं अपनी एक यात्रा शुरू कर दूंगा। गांधी जी ने 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से एक यात्रा 12 मार्च को शुरू की। इसके बाद यह यात्रा जैसा मैंने आपको बताया था 12 मार्च को शुरू हुई, 6 अप्रैल को खत्म हुई। गांधी जी साबरमती आश्रम से निकले थे अपने 78 साथियों के साथ, 78 फॉलोअर्स के साथ। तकरीबन 240 मील लंबी उन्होंने यात्रा की और दांडी के तट पर पहुंचे। 6 अप्रैल को हिस्टोरिकली उन्होंने इस तरीके से नमक उठाकर दांडी के तट से कानून जो है वो तोड़ा, क्योंकि नमक जो है वो सबकी भावनाओं से जुड़ा था, हर व्यक्ति यूज करता था, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए जो है एक बहुत जरूरी चीज थी, इसलिए गांधी जी ने नमक के आंदोलन को ही चुना। ठीक है, तो इस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, अब 6 अप्रैल 1930 के बाद अब गांधी जी ने कहा, जो ग्राम अधिकारी थे विलेज ऑफिशियल उनसे कहा तुम अपने पद से इस्तीफा दे दो। कांग्रेस वर्कर से कहा कि ग्रास रूट लेवल पे काम करना शुरू कर दो, लोगों को इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए जो है बताओ क्या करने की जरूरत है। गांधी जी की ये जो सॉल्ट लॉ ब्रेक करने का जो सिलसिला गांधी ने शुरू किया ये पूरे देश में फैलना शुरू हो गया। इसके बाद गांधी जी ने 4 मई 1930 को उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। देखो उन्हें अरेस्ट किया गया 4 मई 1930 को, जब उन्होंने ये कहा कि मैं धरसाना सॉल्ट वर्क है पश्चिमी कोस्ट पे या पश्चिमी तट पे एक, वहां जाकर भी नमक का कानून तोड़ूंगा, तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। जब उन्हें अरेस्ट किया गया तो पूरे देश में मैसिव प्रोटेस्ट हुआ। कलकत्ता, शोलापुर, ऐसी ये सब जगहों पे, बॉम्बे, दिल्ली, सब जगहों पे प्रोटेस्ट हुआ। शोलापुर में तो भयंकर प्रोटेस्ट देखने को मिला। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उस समय अपनी कुछ गाइडलाइन जारी की कि क्या करने की जरूरत है, किस तरीके से ये आंदोलन हम चलाएंगे। उन्होंने कहा कि रेतवारी एरिया जहां किसानों से डायरेक्ट टैक्स लिया जाता है वहां कोई टैक्स नहीं देगा, जहां पे जमींदारी इलाके हैं वहां जमींदार, क्योंकि भारतीय लोग हैं उनको परेशान नहीं किया जाएगा, सिर्फ एक टैक्स जो सिक्योरिटी का है, चौकीदारा टैक्स, वो हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जब सिक्योरिटी मिल नहीं रही तो टैक्स किस बात का। ऊपर से सेंट्रल प्रोविंसेस में, सेंट्रल प्रोविंस जो इलाके थे, मतलब देश के मध्य में जो भारत में जो इलाके थे, उन सब जगहों पे
खासतौर पे जो जो वन्य इलाके थे या फॉरेस्ट इलाके थे, वहां पे जो कानून लागू किए थे अंग्रेजों ने, उन सबको हम तोड़े। तो हर जगह के लिए अलग अलग गाइडलाइन जारी कर दिए गए थे, दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे, और इस तरीके से यह आंदोलन आगे बढ़ रहा था। अप्रैल 1930 को, अप्रैल 1930 में ही, अब गांधी जी ने 6 अप्रैल को अपनी यात्रा खत्म की थी और साल्ट मार्च तो जो किया था, टी राजा गोपालाचारी ने भी एक मार्च की तिरुचुपल्ली से वेदरण्यम तक तंजोर के तट पे, तमिलनाडु में ये यात्रा की गई थी। ये बिल्कुल गांधी जी की यात्रा की तरह ही सी राजा गोपालाचारी द्वारा की गई एक यात्रा थी। उसी तरीके से उन्होंने भी नमक का कानून तोड़ा, हिस्टोरिकली वो भी इस आंदोलन में कूद पड़े थे। मलाबार केरला के तट पे के केलप्पम नायर कांग्रेस के लीडर थे, कुछ साल पहले वाइकोम सत्याग्रह से भी जुड़े हुए थे, ठीक है। उन्होंने एक सॉल्ट मार्च कराई, सॉल्ट मार्च मतलब ऐसे जैसे गांधी जी कुछ साथियों के साथ लेकर जो है तट तक गए थे, सिमिलरली ये भी केरला के तट पे ऐसी ही सॉल्ट मार्च लेकर चलते हैं। इस सॉल्ट मार्च के दौरान पी कृष्ण पिल्लई एक व्यक्ति थे जो आगे चल के केरला कम्युनिस्ट मूवमेंट चलाने वाले व्यक्ति बने। इन्होंने बड़ी बहादुरी से तिरंगे झंडे की सुरक्षा की, इनके ऊपर भयंकर लाठीचार्ज होता रहा कैलिकट बीच के ऊपर, लेकिन फिर भी इन्होंने वो झंडा नहीं छोड़ा। ये यात्रा नवंबर 1930 में हुई थी मलाबार की, ठीक है। तो सबसे पहले गांधी जी की, फिर तमिलनाडु सी राजा गोपालाचारी, और मलाबार में के केलप्पम ने एक सॉल्ट मार्च को लीड किया। इसके बाद जैसा अभी मैंने पीछे बताया था कि वाइकोम सत्याग्रह, के केलप्पम यहां पे जिन्होंने मलाबार में लीड किया था वो वाइकोम सत्याग्रह के लीडर थे। वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 में हुआ एक सत्याग्रह था, जो आज मॉडर्न डे केरला है वहां पे त्रवणकोर रियासत हुआ करती थी, और वहां पर सोसाइटी की एक बड़ी समस्या उन दिनों पे थी, देखने को मिलती थी। वहां पे क्या था कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती थी, मतलब छुआछूत की व्यवस्था थी वहां पर सोसाइटी में। वहां पर एक शिव मंदिर था वाइकॉम नाम की जगह पे कोट्टयम में। इस शिव मंदिर में लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के जो लोग थे उनको बिल्कुल भी जो है एंट्री नहीं दी जाती थी। तो टेंपल एंट्री के मुद्दे पर यह आंदोलन किया था हमारे के केलप्पन साहब ने। उन्होंने कहा कि क्यों जो है जो बेचारे निचले तबके के लोगों को क्यों मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता, क्यों उनके साथ भेदभाव किया जाता है, क्यों उन्हें बाकियों की तरह जो है राइट नहीं है कि वो मंदिर में जाकर जो है अपनी पूजा अर्चना कर सके। ऐसे ही बाद में इन्होंने एक और सत्याग्रह में भी हिस्सा लिया जिसे गुरुवयूर सत्याग्रह कहा जाता है। उसके बाद आते हैं धरसाना सॉल्ट मार्च पे। मैंने जैसे अभी आपको बताया गांधी जी ने अपनी पहली मार्च की थी 12 मार्च को शुरू की, 6 अप्रैल को साबरमती आश्रम से दांडी तक। उसके बाद गांधी जी ने कहा मैं एक और मार्च करूंगा, कहां, धरसाना सॉल्ट वर्क पे। लेकिन जैसे अनाउंस किया गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया 4 मई 1930 को। इसके तकरीबन 15 दिन के बाद 21 मई 1930 को सरोजनी नायडू, इमाम साहिब और गांधी जी के बेटे मनीलाल ये भी एक मार्च पे निकले। और गांधी जी का जो कहा था उन्होंने कि मैं ये सॉल्ट मार्च करूंगा, उस अनफिनिश्ड काम को जो खत्म नहीं किया था उन्होंने उसको पूरा करने के लिए वो निकले। किसी के पास कोई हथियार नहीं था, पीसफुल क्राउड था। जैसे ही वहां जो जहां पे नमक मैन्युफैक्चर किया जाता सरकार के द्वारा उस इलाके में वो पहुंचे, वहां पर पुलिस पहले से तैयार खड़ी थी। पुलिस ने वहां पर बड़ी ज्यादा बुरे तरीके से लाठी चार्ज कर दिया और 2 लोग मारे गए इसमें। 2 लोग मारे गए, 320 हताहत हुए जिनको बहुत बुरी और गहरी चोटें आई थी। लेकिन ये जो नंबर है ना ये और भी बहुत ज्यादा बड़ा था, क्योंकि ये जो नंबर है ये तो सरकारी नंबर है, 2 डेड 320 इंजर्ड, इससे कई ज्यादा लोग मरे थे और घायल होने वालों की तो संख्या बहुत ही ज्यादा थी। इसके बाद जो आगे हम टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, गोलमेज सम्मेलन, जो 3 हुई एक एक करके और तीनों की तीनों लंदन में हुई। इनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या पहली गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से शुरू हुई और 19 जनवरी 1931 तक चली। सीधे सीधे और आसान शब्दों में कहूं तो 1930 के आखिरी महीनों में शुरू हुई और 1931 के पहले महीने के 20 दिन तक चली तकरीबन। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये क्यों ऑर्गेनाइज की गई थी इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। पहली बात तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है डिस्कस करनी थी। लॉर्ड इरविन ने 31 अक्टूबर की अपनी दीपावली डिक्लेरेशन में यह कहा था
कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करवाएंगे लंदन में, वहां सारी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाएंगे और सब बैठ के सबसे बात करेंगे, सबकी समस्याएं सुनेंगे, सबका क्या निवारण किया जा सकता है वो भी वहीं पर डिस्कस करेंगे। सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर वहां होंगे और गोल मेज पर बैठ के सब बात करेंगे। एक और बात थी, साइमन कमीशन जो भारत आया था दो बार, जब भी वो बॉम्बे या लाहौर पहुंचा तब उसको काले झंडे दिखाए गए। लेकिन बात क्या थी, कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जब ब्रिटिश पार्लियामेंट को दी तो उसमें एक सजेशन दिया था कि भाई जो हम आपको बता रहे हैं यहां पे, जो रिपोर्ट दे रहे हैं, इसको आपने करना क्या है, आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक गोल में सम्मेलन करके या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करके वहां पे उनको बताना। तो उसने खुद ही सजेस्ट किया था ये, और इसी के चलते लॉर्ड इरविन ने 31 अक्टूबर 1929 को ये डिक्लेयर किया था कि फ्यूचर में हम क्या करेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 12 नवंबर 1930 को शुरू हुई और 19 जनवरी 1931 तक चली। ठीक है, तो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चली। अब इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को तो कांग्रेस पहले ही कह चुकी थी कि हम बॉयकॉट करेंगे इसे, और बॉयकॉट हुआ भी, क्योंकि एक साल पहले ही कांग्रेस इसमें जाने से बॉयकॉट कर चुकी थी। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई आखिरकार 12 नवंबर 1930 का दिन। चेयरमैन थे इसके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड। ध्यान से नोट कर लेना, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चेयरपर्सन थे ब्रिटेन के उस समय के प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड। ये जो लंदन में कांग्रेस ये जो सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच में, नवंबर 1930 टू जनवरी 1931, इसमें जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत ही सेफ रखा गया था। खास तौर पे ऐसे लोगों को इनवाइट किया गया था जो सरकार के लिए कोई बड़ी दिक्कत पेश ना करे। सेफ मैन जो है वो सरकार की तरफ से चुने गए थे। कांग्रेस और इंडियन बिजनेस लीडर्स जो बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेस के जो हेड थे, उन सब ने इस पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ऑफिशियली जब ओपन किया गया था तो इसका उद्घाटन ब्रिटेन के किंग जॉर्ज फाइव ने किया था। राजा जो थे किंग जॉर्ज फाइव, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। चेयरपर्सन रामसे मैकडॉनल्ड, और यहां पर बहुत ही कम संख्या में लोग पहुंचे थे। अब एक बार देख लेते कौन कौन लोग पहुंचे थे। मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे आगा खान द थर्ड, मोहम्मद शफी, मौलाना मोहम्मद अली, फजलुल हक और मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो ये सब लोग थे जो इसमें पहुंचे थे, आगा खान थर्ड, मोहम्मद शफी, मौलाना मोहम्मद अली, फजलुल हक और मोहम्मद अली जिन्ना, ये मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। सिखों की तरफ से थे सरदार संपूर्ण सिंह और सरदार उज्जवल सिंह। सरदार संपूर्ण सिंह और सरदार उज्जवल सिंह सिखों की तरफ से थे। हिंदू महासभा से थे बीएस मुंजे और एमआर जयाकर, बीएस मुंजे और एमआर जयाकर। डिप्रेस क्लास से बीआर अंबेडकर। इंडियन क्रिश्चियंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे केटी पॉल। पारसीज को होमी मोदी। लिबरल पार्टी से ये कुछ लोग थे, टीबी सप्रू, सीवाई चिंतामणि, श्रीनिवास शास्त्री, चिम्मनलाल हरिलाल सेतलवाद और जे एन बासु। ये सब लोग जो है ये लिबरल्स थे। लिबरल खासतौर पे ये जो है ना, ये ऐसे सेक्शन से आते थे सोसाइटी में, बहुत पढ़े लिखे वर्ग से थे। खासतौर पे ये कह लीजिए जो बहुत जो है अच्छे खासी जिनकी पढ़ाई या नॉलेज हुआ करती थी, ये ज्यादातर लिबरल्स थे। ठीक है, और लेबर पार्टी में एन एम जोशी, बी शिवा राव। जस्टिस पार्टी से ए आर मुदलियार और सर ए पी पात्रो। महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रही थी बेगम जहानारा शाहनवाज। जमींदारों को रिप्रेजेंट कर रहे थे महाराजा कामेश्वर सिंह ऑफ दरभंगा बिहार। उसके अलावा 16 प्रिंसली स्टेट से भी जो है रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जिसमें अलवर रियासत के जो राजा, बड़ौदा, भोपाल, बीकानेर, जम्मू कश्मीर, पटियाला, हैदराबाद, मैसूर, ग्वालियर, इन सभी रियासतों से जो है वो नेता पहुंचे थे। थोड़ा सा दिमाग में ध्यान रखना, जो मैं नाम ले रहा हूं ये आपको आगे समझ में आएगा क्यों ले रहा हूं, इसके पीछे भी लॉजिक है। ठीक है, और भारत सरकार की तरफ से नरेंद्र नाथ दत्त, भूपेंद्र नाथ दत्ता,
सीपी रामास्वामी अय्यर और एम रामचंद्र राव, ये सब लोग जो है वो वहां पहुंचे थे। लेकिन हुआ क्या, इसमें आउटकम क्या था? मेन तो ये है ना समझने का, नाम तो चलो आप खुद भी रट लोगे, है ना, नाम रटना कोई बड़ी चीज नहीं है। आउटकम क्या था? कॉन्फ्रेंस जो है इसमें कुछ सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव्स लिए गए, मतलब कुछ कदम उठाए गए बड़े। एक कमांड पेपर जो है वो बनाया गया कि क्या हम करेंगे फ्यूचर में, ये डिसाइड कर लेंगे। अब क्या करेंगे, ब्रिटिश सरकार ने सारे पक्षों को बुलाया था, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, सबके प्रतिनिधि पहुंचे थे सिवाय कांग्रेस के, और इंडियन बिजनेस हाउस, बड़े बड़े जो बिजनेस ग्रुप्स थे उनके लीडर वहां नहीं पहुंचे थे क्योंकि उन्होंने बॉयकॉट किया था। अब क्या रिकमेंडेशन किया गया, इसका नतीजा क्या निकला? सबने मिलकर तय किया कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? एक ऑल इंडिया फेडरेशन। एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाई जाएगी जिसमें जो ये फेडरेशन, फेडरेशन मतलब एक संगठन बनेगा जिसमें क्या क्या शामिल होगा। इसमें एक तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, अंग्रेजों के बनाए हुए जितने भी राज्य हैं, देखो कुछ ऐसे इलाके थे जो डायरेक्टली अंग्रेजों ने कब्जा रखे थे, जिन इलाकों पर डायरेक्टली अंग्रेजों का कंट्रोल था, और कुछ थे इंडियन प्रिंसली स्टेट्स या इंडियन स्टेट्स, ये राजा महाराजाओं के अंडर आते थे जिन्होंने अंग्रेजों की प्रभुसत्ता या उनकी पैरामाउंसी एक्सेप्ट कर रखी थी, और टैक्सेस में से एक हिस्सा ब्रिटिश सरकार को भेजते थे। तो कुछ ऐसे हिस्से जो डायरेक्टली अंग्रेजों के अंडर है वो क्या हो गए, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, मतलब वो राज्य जो सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आते हैं, और इंडियन स्टेट्स या प्रिंसली स्टेट्स वो राज्य जिनके राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली थी, टैक्सेस में से एक हिस्सा अंग्रेजों को देते थे। तो इन दोनों को मिला के बनाया जाएगा ऑल इंडिया फेडरेशन, एक संघीय ढांचा बनाया जाएगा, ठीक है, एक संगठन बनाया जाएगा। अब इसने कहा कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जाएगी केंद्र में, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जाएगी केंद्र में विद सर्टेन रिजर्वेशन एंड सेफगार्ड। इसका मतलब समझो, रिजर्वेशन सेफगार्ड मतलब कि कुछ पोर्टफोलियो जो है वो सरकार अपने पास रखेगी। उन्होंने कहा एक हम सरकार बनाएंगे जिसमें ज्यादातर भारतीयों को रोल दिया जाएगा, लेकिन डिफेंस, फाइनेंस, जो बस इंपॉर्टेंट चीजें ना वो सरकार अपने पास रखेगी, बाकी सब आप लोगों के हवाले कर देगी। ये सेफ गार्ड जो है, जो ये डिफेंस के मामले में रहेंगे, फाइनेंस के मामले में रहेंगे, और बाकी के डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। देखो बड़ी अच्छी सी बात होता, जो मीठा मीठा है गप गप, जो कड़वा और खट्टा है वो तुम्हारे लिए। सिंपल समझ रहा है इसका मतलब क्या है कि देखो जो चीजें बहुत बेनिफिट वाली हैं, जिनसे पकड़ बनी रहती है, पावर बना रहता है और पैसा बन रहता है, डिफेंस से ताकत, डिफेंस अगर सरकार के लोगों के पास रहेगा तो फौज उनके कंट्रोल में, कभी भी किसी के ऊपर चाबुक चला सकते हैं, फौज कंट्रोल में। तो फाइनेंस अपने पास रहेगा तो सारे देश का पैसा अपने कंट्रोल में, किसको क्या देना हम तय करेंगे, और बाकी हेल्थ, भैया हॉस्पिटल खोलो अपने आप, मेहनत करो, फंड जुटाओ उसमें और फिर फंड लगाओ, सारा काम तुम करो। एजुकेशन, तुम अपने आप स्कूल खोलो, सारे काम तुम खुद करो। अरे भाई बहुत अच्छी बात है, पावर और पैसा तुमने अपने पास रख लिया, बाकी सब कह रहे हो वो सब तुम्हें ट्रांसफर कर देंगे, वाह जी वाह, ठीक है। और ये सब जो है ये यहां पे डिसाइड किया गया था किसमें, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, के एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जाएगी, कुछ डिपार्टमेंट छोड़ के बाकी सारे ट्रांसफर किए जाएंगे, ऑल इंडिया फेडरेशन बनेगा जिसमें ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, जो इंडियन राज्य हैं जो राजा महाराजाओं के, उनको शामिल करके और अंग्रेजों के अधीन आने वाले सारे राज्यों को जोड़ के एक फेडरेशन या संघ बनाया जाएगा। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि कुछ भी किया नहीं जा सका, मतलब ये जो भी बातें उन्होंने कही हवा हवा में, ये सब करेंगे, ये सब करेंगे, लेकिन ये सब कोई भी जो है वो प्रैक्टिकली इनको लागू नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि भारत में तो चल कर रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस, कि भैया भारत में तो लोग जो है उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, तुम किसके ऊपर ये सारी रिकमेंडेशन लागू करोगे। बी आर अंबेडकर इस सभा में मौजूद थे, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, गोलमेज सम्मेलन में शामिल थे, और उन्होंने वहां पे कहा था कि जितने लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से अनटचेबल जिन्हें कहते हैं वो लोग हैं, उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए।
अगर मुस्लिम्स को मिल सकता है, बाकियों को मिल सकता है, तो जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उन्हें भी सेपरेट इलेक्टोरेट दो, उन्हें भी कुछ सीटों पे जो है सिर्फ वही कैंडिडेट्स खड़े हों जो जो ये कह लो जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते हैं, और सारे वोटर्स भी वही। उन्होंने भी ये डिमांड रखी अपनी पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसको आगे बढ़ाना या जिसका जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हर नेता कोशिश करता है, तो उन्होंने भी किया। अब खास बात यह थी कि कुछ भी जो है बड़े स्तर पे यहां पे हासिल नहीं हुआ, ठीक है। बस एक चीज यहां पे निकल के सामने आई कि अंग्रेजों ने पहली बार भारतीयों को अपने साथ बिठाया, एक ही टेबल पर बिठाकर एक जैसा ट्रीट किया। टेबल पर बिठा लेना ही बहुत बड़ी बात थी, वरना तो एक तरीके से ऐसा होता है ना कि भाई एक पक्ष ऊपर बैठा और नीचे बैठे बेचारे लोगों की बातें सुन रहा, पर यहां पे उन्होंने इक्वल्स की तरह एक गोल मेज पर बिठाया और सबकी बातें सुनी। अब मानी कितनी वो बात अलग है, ठीक है। कांग्रेस की इंपॉर्टेंस भी समझी गई कि यार कोई नतीजा हम क्यों नहीं निकाल पाए, कोई बड़ा डिसीजन क्यों नहीं ले पाए, सिर्फ बातें करते रह गए हवा हवा में। क्यों? क्योंकि कांग्रेस तो थी नहीं। कांग्रेस नहीं थी तो क्या नुकसान था? पूरे देश को उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस बड़े मासेस को रिप्रेजेंट करती थी, बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो कांग्रेस से उसकी भावनाएं जुड़ी थी उस समय, तो इसीलिए कांग्रेस की जो है इंपॉर्टेंस समझी गई कि कोई भी संविधान से जुड़ा हुआ बड़ा फैसला लेना है तो कांग्रेस और उसके प्रतिनिधियों का होना जरूरी है। तब तो कह दिया था तुम्हारा मैनिफेस्टो रिजेक्ट, अब कांग्रेस की जरूरत पड़ गई। इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को गांधी, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता हुआ। लॉर्ड इरविन उस समय के वॉइस रॉय थे, वॉइस रॉय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में समझौता कहलाता है गांधी इरविन पैक्ट। कैसे हुआ थोड़ा सा अभी बता देता हूं, क्योंकि अगर आपको पिछली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की तारीख याद है, तारीख थी 19 जनवरी 1931, 19 जनवरी 1931 को खत्म हो गई थी ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद अब थोड़ा सा तारीखों पे थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, क्या है 25 जनवरी 1931 को, 25 जनवरी 1931, 19 को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है। इधर अंग्रेजों ने क्या किया, 25 जनवरी 1931 को गांधी जी को छोड़ दिया, रिलीज कर दिया जेल से। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने धरसाना सॉल्ट वर्क पे रेड करने की बात की थी, जब से ही वो अरेस्ट थे, और अब उन्हें 25 जनवरी 1931 को छोड़ दिया। और बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं को भी जो उनके साथ जो जिनको पकड़ा था उनको भी जेल से छोड़ दिया गया। इसलिए छोड़ा गया क्योंकि गांधी जी से, गांधी जी और कांग्रेस को मनाना था कि वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाए, तो इसके लिए 25 जनवरी 1931 को रिलीज कर दिया गया, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म होने के 6 दिन बाद ही। उसके बाद टीबी सपरू, सी वाई चिंतामणि, लिबरल जो नेता थे, जो पढ़े लिखे नेता थे, उनके साथ लॉर्ड इरविन ने संपर्क किया, उनसे कहा आप गांधी जी के पास जाइए, उनसे उन्हें ये कहिए कि भाई लॉर्ड इरविन आपसे मिलना चाहते हैं और कम से कम एक बार उनसे जरूर मिल लें। क्योंकि असल बात यह हुई थी कि जब इन नेताओं से डायरेक्ट लॉर्ड इरविन ने यह कहा था कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोशिश करो कि गांधी जी और कांग्रेस हमारे यहां जो है पहुंच जाए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा था कि हम आपको पक्का भरोसा नहीं दिला सकते कि वो लोग आएंगे या नहीं। क्यों? क्योंकि गांधी जी हम इसकी अश्योरेंस नहीं दे सकते, क्योंकि उनका जो है उनको उन्होंने फैसला ले लिया कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का बॉयकॉट करेंगे। तो उन्होंने कहा चलो आप अगर अपनी तरफ से कन्विंस नहीं कर सकते तो आप उनकी मेरे से मीटिंग तो करा सकते हो। गांधी जी ने तब लॉर्ड इरविन से मिलने के लिए कांग्रेस प्रेसिडेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल को भेजा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के थ्रू जो है वो बातचीत शुरू हुई। तकरीबन कुछ एक दौर चला बातचीत का, लंबा सिलसिला चला गांधी और इरविन के बीच में, और फिर फाइनली एक समझौता, एक करार दोनों के बीच में हुआ, जिसे हम जानते हैं गांधी इरविन पैक्ट के नाम से। 5 मार्च 1931 को जाके वो समझौता हुआ, तकरीबन 15-20 दिन, जिसे फोर्टनाइट टॉक्स कहते हैं, तकरीबन 14-15 दिन लंबी वार्ता चली, पहले कम्युनिकेटर के थ्रू फिर डायरेक्ट, तो इस तरीके से फाइनली 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच में हुआ समझौता। कुछ यहां पे फीचर्स थे इस समझौते में। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें आने के लिए तैयार हो गई। लॉर्ड इरविन ये करने में सफल रहे, ठीक है।
तो लॉर्ड इरविन कांग्रेस और महात्मा गांधी को मनाने में सफल रहे और कांग्रेस ने कहा कि हम पहुंचेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था उसको कुछ देर के लिए रोक दिया जाएगा। कुछ देर के लिए क्या, उस समय के लिए तो रोक ही देने की बात हुई थी कि अभी हम इसको रोक देंगे। और दूसरी तरफ इरविन क्या करेंगे, देखो इधर से हमने कर दिया, हम भाई हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी पहुंच जाएंगे, कांग्रेस ने ये कह दिया, ऊपर से सिविल डिसोबीडियंस सविनय अवज्ञा आंदोलन भी रोक देंगे। लेकिन सरकार क्या करेगी, वो सारे ऐसे अध्यादेश या ऑर्डिनेंस वापस ले लेगी जिन्होंने जिनके तहत कांग्रेस पे बैन लगाया गया था, वो भी अपने सारे जो 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 भी ऐसे नियम कानून बनाए थे जिससे कांग्रेस की गतिविधियों पे बैन लगाया गया था वो सारे वापस ले लेगी। और ऊपर से जिन्होंने भी सिविल डिसोबीडियंस या सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया है ऐसे सब लोगों को जिनको अरेस्ट कर लिया गया था उन सबको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स जिनके ऊपर कोई भी वॉयलेंस, ये कह लो ऐसे पॉलिटिकल प्रिजनर जिनके ऊपर जिन्होंने कोई भी वॉयलेंस नहीं की और जिन्होंने किसी का कत्ल नहीं किया या फिर कोई हिंसा नहीं की है, ऐसे सभी लोगों को, ऐसे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जो है वो तुरंत प्रभाव से छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, जो भी सिविल डिसोबीडियंस में शामिल थे सविनय अवज्ञा में और जिन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कोई वॉयलेंस की हो, हिंसा ना की हो, तो फिर उन सबको छोड़ दिया जाएगा। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ऐसी जमीनें जो अब तक किसी थर्ड पार्टी को बेची नहीं गई हैं, जो जब्त की गई थी सरकार के द्वारा, देखो कई सारी प्रॉपर्टीज जब्त की गई, जो आंदोलन कर रहे थे उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है सरकार ने जब्त की थी, कुछ तो उसी समय बेच दी जाती थी जो जब्त की जाती थी, लेकिन जो अब तक नहीं बेची गई हैं जब यह समझौता हुआ 5 मार्च को, वो सारी जमीनें सरकार उन लोगों को वापस कर देगी। ये बहुत बड़ा पॉइंट। और गवर्नमेंट सरकारी एम्प्लॉइज जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था इस आंदोलन में भाग लेने के लिए, उनको सरकार वापस भी लेगी और उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट भी करेगी। और जो तटीय गांव हैं, जो कोस्टल विलेजेस हैं, वहां पे रहने वाले लोग अपनी जरूरत के लिए नमक भी जो है उत्पाद करके अपनी यूज के लिए ले सकेंगे। ऊपर से अगर कोई धरना प्रदर्शन करना है तो वो अलाउड है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से करना है, कोई हिंसा वहां पे करनी नहीं है, वो सब अलाउ है, लेकिन कोई बिना हिंसा के। नमक के ऊपर जो भी टैक्स है वो भी हटा लिया गया। तो गांधी इस समझौते में बहुत सारी चीजें मनवाने में सफल हुए। ठीक है, गांधी इस पूरे चीज में जो है ठीक है तो ये जो समझौता है वो था, इसमें ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई तो ये हुई। अब देखो लेकिन इसी समय पे बहुत लोग जो ना एक बात जो है उठाते हैं, 5 मार्च को ये समझौता हुआ था 1931 और 23 मार्च को 3 हमारे देश के शहीद, उनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है ना, अभी मैं नाम लूंगा सभी के बारे में आपको बताऊंगा अभी, लेकिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, हमारे देश के ये जो उस समय के नौजवान युवा पीढ़ी थे, इनको फांसी पे लटका दिया गया। बहुत सारे लोग बड़ी आसानी से गांधी जी पे इल्जाम लगा देते कि गांधी बचा सकते थे, गांधी ने नहीं बचाया। क्यों? क्योंकि और बड़े बड़े अजीब से तर्क दे देते हैं, नहीं जी भगत सिंह की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो गई थी, गांधी उससे डर गए थे, इसकी वजह से उन्होंने नहीं बचाया। बात यह है कि हजारों लाखों लोगों के किस के जो जो मंशाओं का बोझ जो है वो ढो रहे थे गांधी। गांधी हर व्यक्ति की बात करने गए थे ना वहां, गांधी सबके लिए बात कर रहे थे कि भाई इतने सारे लोगों की जमीनें वापस कर देना, इतने सारे लोगों को नौकरी पे वापस रख लेना, इतने सारे लोगों को जिन्होंने हिंसा नहीं की उन्हें छोड़ दिया जाए। ठीक है, और जिन्होंने हिंसा की है, अब इरविन ने खुद भी जैसे अपनी, अगर गांधी जी ने मान लो अगर ये कह लो कि उनसे कहा भी होगा या तो बात यह कि लॉर्ड इरविन के हाथ में वो चीजें थी नहीं कि वो माफ कर सकते उनकी फांसी को। क्यों? क्योंकि वॉयलेंस के दोषी थे, 3 लोग अभियुक्त बनाए गए थे, तो शायद इरविन के भी बस में वो बात नहीं थी। लेकिन फिर ये कहते हैं जी गांधी जब पूरी टेबल पे बैठी थी तो सारी बातें मनवा लेते। अब आप ये देखो कि गांधी जी ने कोशिश तो की होगी,
अब आप ये सोच ले कि गांधी किस स्टेचर का एक व्यक्ति, जिसके कहने पे हजारों लाखों की भीड़ उमड़ आती थी, वो हमारे तीन युवाओं से डर गया। बल्कि उनके लिए तो वो बच्चे जैसे रहे होंगे, उन्होंने तो कोशिश खूब की होगी। लेकिन हम जो है ना, हम तो किसी पे भी इल्जाम लगा सकते हैं। हमारे देश में आदत है भगवान पे भी इल्जाम लगा सकते हैं। गांधी तो फिर इंसान थे, हमारे आदत है कि किसी पे भी इल्जाम लगा दो, बिना हड्डी की जुबान है, जैसे मर्जी चला लो। आप लोग जो टाइप कर रहे होते हो, किसी को भी बुरा भला कह देते हो, 2 मिनट लगते हैं, क्या जाता है ना? क्योंकि कहां हम बैठ के किसी को दिखा रहे हैं कि हम कौन हैं। और ऊपर से जब, और ये सोचो कि गांधी को छीटा कसी करना कितना आसान है। जो आदमी सारे देश की जो है उम्मीदों को ढोता है, बाद में उस पर इल्जाम लगा दो। बात सिर्फ इतनी सी है कि गांधी के नाम का ना एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने कई सालों तक खाया, ये कह के कि देखो गांधी हमारे थे। फिर एक समय अब बदला है समय, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ये सोचती है कि गांधी और नेहरू को ही बदनाम कर दो तो ये जो पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है जड़ से ही निकल जाएगी। पर बेवकूफ पता है कौन बनता है? आम इंसान। आम इंसान बेवकूफ बनता है जो किसी को, कोई तो उनको चढ़ा के खा रहा है, कोई उन्हें गिरा के खा रहा है, लेकिन खा सब रहे हैं। और बेवकूफ बनता है हमारे तुम्हारे जैसा आम इंसान, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा कि खेल क्या हो रहा है। गांधी को क्या पड़ी थी? गांधी बैरिस्टर थे। अब हाईली पेड जॉब थी, अच्छा खासा कमा सकते थे। उस समय बैरिस्टर से ज्यादा कौन कमाता था? दुनिया के सारे सुख चैन वो ले सकते थे अपनी लाइफ को, बिना पब्लिक किए, बिना किसी को बताए। क्यों लोगों के बीच में भटक रहे? क्यों इतने दिनों तक फास्ट कर रहे, खाए पिए बिना रह रहे, एक हड्डी के होके रह गए, पतले दुबले गांधी? क्यों लेविश लाइफ नहीं जीते, मौज करते अपनी? क्यों बिना कपड़ों के, बहुत कम कपड़े पहन रहे, क्योंकि देश के लोगों के पास कपड़े नहीं है, इसलिए वो भी कम कपड़े पहन रहे और भटक रहे पूरे देश में नंगे पांव। कभी चप्पल है तो टूटी चप्पल पहन के गांधी पूरे 20,000 किलोमीटर की यात्रा कर देते पूरे देश की। क्या पड़ी है? क्यों समझेंगे आप? तो अपने कमरे में बैठ के गाली दे ही सकते ना। गांधी नोट पे छपे हैं, उनके फिर बाल बना देते, कुछ कुछ खराब कर देते, कितने क्या ही फर्क पड़ जाता है, ठीक है ना? क्योंकि गांधी तो अब रहे नहीं, गांधी से जुड़े जज्बात भी नहीं रहे, गांधी का त्याग नहीं रहा कोई। और अगर रहा भी तो हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारा तो जीवन अच्छा ही चल रहा है, हम तो गाली दे ही सकते हैं बैठ के अपने कमरों में, ठीक है? चलो, हाँ, अब कुछ डिफरेंस देख लेते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, ठीक है? असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, दोनों के बीच के कुछ डिफरेंसेस समझ लो। जैसे पहली बात तो सिविल डिसोबीडियंस में और नॉन कॉपरेशन में कुछ सीधे सीधे फर्क थे। जैसे अगर हम पूर्ण स्वराज की बात करें या कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करें, ठीक है, तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात जो है पहली बार सिविल डिसोबीडियंस में ही प्रमुखता से उभरी थी। पहले स्वराज शब्द था लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं था। जब नॉन कॉपरेशन या असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, तब उसका कोई इस तरीके से जो आज जो 1930 में जो बदल गया था उसका मतलब, वो उस तरीके का स्वराज शब्द का मतलब नहीं था। पूर्ण स्वराज की मांग सही मायने में सविनय अवज्ञा आंदोलन में की गई थी, और इसमें जो तरीके इस्तेमाल किए जा रहे थे उसमें कानून तोड़ना भी प्रमुख था। असहयोग आंदोलन में कोई कानून नहीं तोड़ा जा रहा, सिर्फ उनका साथ नहीं देना था, ठीक है? लेकिन अब की बार सिविल डिसोबीडियंस में, सविनय अवज्ञा में कानून भी तोड़े जा रहे थे। प्रोटेस्ट जो है, अब तक जो प्रोटेस्ट थे, एक चीज थी कि जो भी प्रोटेस्ट हो रहे थे उसमें मिडिल क्लास की प्रेजेंस थोड़ी कम दिखाई पड़ रही थी। खास तौर पे लॉयर्स ने अपनी जॉब नहीं छोड़ी, अपनी प्रैक्टिस करते रहे। स्टूडेंट्स ने सरकारी जो अपने स्कूलों में जो वो पहले जैसे जाते थे वो छोड़े नहीं, कम छोड़े, और नेशनल स्कूल कॉलेजेस को वो अटेंड करते रहे। ये क्यों हो रहा था ये मैं आपको बता देता हूं। अब आप इसको प्रैक्टिकल तरीके से समझना। देखो, जब आंदोलन होता है, एक आंदोलन जिससे उम्मीद होती है कि कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा, तो सब लोग चल पड़ते हैं उसमें, हर वर्ग के लोग, अमीर गरीब और मिडिल क्लास सब चले जाते हैं। लेकिन अगर उससे कुछ ना निकले, जैसे नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच में हुआ, उससे नतीजा तो निकला नहीं, फिर लोगों को नाउम्मीदी हो गई ऐसे आंदोलनों से,
1930 में आंदोलन शुरू हुआ सिविल डिसोबीडियंस, लेकिन अब की बार लोग सड़कों पे नहीं आए, खासतौर पर मिडिल क्लास। मिडिल क्लास ना ऐसा होता है, देखो अमीर वर्ग है वो अगर ऐसे आंदोलन में चले भी जाता है तो उसको कोई भारत बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। गरीब, गरीब के पास खोने को बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं क्योंकि वो वैसे ही गरीब है, उसको और ज्यादा क्या आप उसका बिगाड़ लेंगे, वो तो आंदोलन में चले भी जाता है। लेकिन जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास अगर अपना काम धंधा छोड़ के, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के अगर कुछ समय के लिए भी जाता है ना, तो फिर वो भारी नुकसान उठाता है। उसकी एकदम से इकोनॉमिक कंडीशन डिप करती है, एकदम से उसकी जो सोशल कंडीशन है वो बदल जाती है। इसीलिए सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है वो मिडिल क्लास पे पड़ता है। तो मिडिल क्लास में जो इंटेलिजेंट लोग थे, लॉयर, स्टूडेंट, ये सब कहते हैं कि भैया हम बार बार, ये तो रोज की बात हो गई आंदोलनों की, हम कब तक जाएंगे, इसलिए कम हो गया उनका नंबर। मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन में अच्छा खासा था क्योंकि खिलाफत मूवमेंट उसके साथ जुड़ा था। अब की बार नंबर कम हो गया था मुस्लिम्स का, क्यों? क्योंकि इस बार खिलाफत मूवमेंट जैसा कुछ भी नहीं था। और लेबर की तरफ से, जो जो श्रमिक थे उनकी तरफ से भी कोई बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ नहीं था जो इसके साथ जुड़ जाता। नॉन कॉपरेशन में, असहयोग आंदोलन में तो हुआ था, लेकिन किसान बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे देश में। किसानों ने बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट किया और बिजनेस हाउसेस ने भी बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट किया नॉन कॉपरेशन में। मैं बताता हूं क्यों। देखो वर्ल्ड वॉर वन चला 1914 से 1918, उसके बाद अगले 10-15 सालों में, मतलब 1918 से 1930 तक सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई कि ब्रिटेन में बैठे व्यापारियों को फायदा हो, बिजनेसमैन को फायदा हो, और इंडिया में बिजनेसमैन की उन्होंने नहीं सोची। सारे कानून ऐसे बनाए गए जिससे फायदा किसका हो, ब्रिटेन में बैठे बिजनेसमैन का। क्यों उनका फायदा क्यों होना चाहिए? क्योंकि वहां पे इकोनॉमिक कंडीशन खराब थी, तो ज्यादा फायदा उन्हें पहुंचाया जा रहा था। पाउंड का प्राइस बढ़ा दिया गया था क्योंकि इंडिया से अगर हम कोई सामान ब्रिटेन से मंगवाएं तो ज्यादा पैसे उनके पास चले जाएं, समझ रहे हो चालाकी। तो इसीलिए बिजनेस ग्रुप्स इंडिया में परेशान थे क्योंकि यहां पे कोई बड़ी परमिशन नहीं मिल रही थी ज्यादा बड़ी फैक्ट्रियां लगाने की, और बुरे सारी जो नीतियां थी अंग्रेजों ने वो बिजनेस हाउसेज के खिलाफ चला दी थी। ऊपर से किसान, उसके ऊपर हैवी टैक्सेशन लगाया गया था वर्ल्ड वॉर वन के बाद से ही, तो दोनों परेशान थे। अब मिडिल क्लास नहीं था, स्टूडेंट नहीं थे, लॉयर नहीं थे, और मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन कम था, लेकिन किसानों ने और बिजनेस क्लास ने वो सब जो कमी थी वो पूरी कर दी, वो और ज्यादा पार्टिसिपेशन करके। अब की बार जो लोग पकड़े गए थे, जिनको जेलों में डाला गया, उनका नंबर कई गुना ज्यादा, तकरीबन 3 गुना ज्यादा था। पिछली बार जिनको उठा के जेलों में डाला गया था ना नॉन कॉपरेशन में 1920 में, उससे 10 साल बाद अब यह सविनय अवज्ञा में, सिविल डिसोबीडियंस में, 3 गुना ज्यादा लोगों को जेल में डाला गया। कांग्रेस पिछली बार से ज्यादा संगठित दिखाई दे रही थी, ऑर्गेनाइजेशनल तौर पे वो दिख रहे थे मजबूत, उन्होंने अपने लोगों को सही गाइडलाइंस दे रखी थी, सभी लोगों को इकट्ठा करने में वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहे थे। ये फर्क थे सारे नॉन कॉपरेशन में और सिविल डिसोबीडियंस में, ठीक है। अब आते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी पे, HSRA। पहले HSRA से पहले वाली एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता देता हूं जिसका नाम था HRA, ठीक है। तो पहले बता देते हैं आपको HRA के बारे में। HRA क्या? उत्तर भारत में कई रेवोल्यूशनरीज ने पहले क्या किया, उनको एक डिसअफेक्शन था, डिसअफेक्शन ब्रिटिश सरकार के प्रति कि भैया ये क्या कर रहे हैं, इनकी नीतियों की वजह से भारत में लोग जो है परेशान है। और कुछ नेता जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चटर्जी, सचिन सान्याल, जिन्होंने बंदी जीवन लिखा था, एक ऐसी किताब जो हर रेवोल्यूशनरी के लिए उन दिनों पे प्रेरणा थी कि बंदी का जीवन क्या होता है, कैसे एक कबूतर पिंजरे में रहता है तो उसको सब खाना पानी दाना मिलता भी रहे तो भी वो आजाद नहीं होता, बंदी जीवन। एक तरीके से ऐसी जब कोई किताबें या कोई ऐसा कोई टेक्स्ट आता है ना, ऐसी कोई चीज जो जब कोई पढ़ता है, क्योंकि उस समय ऐसे टीवी नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, किसी को इंस्पायर होना था तो वही प्रिंट मीडिया में वही चीजें थी जो आपको इंस्पायर करती, उसी को पढ़ के लोगों को जो है समझ में आता था कि क्या हो रहा है हमारे साथ। तो बंदी जीवन जब लोगों ने पढ़ी तो लोगों को पता चला कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है। तो ये कुछ नेता, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चटर्जी, सचिंद्र सान्याल,
इन सब ने एक बड़ी संस्था बनाई जिसे कहा गया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, एचआरए। कहां पे बनाई? कानपुर में बनाई, अक्टूबर 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी भी कह सकते हो आप इसको। इसका मकसद था हथियारबंद तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन करना, कोलोनियल रूल, जो भारत में उन्होंने जो भारत को एक कॉलोनी की तरह बना रखा था जिससे सिर्फ लूट खसोट करने का काम करते थे अंग्रेज, उसके खिलाफ एक हथियारबंद आंदोलन करना और भारत को यूएसए की तर्ज पे फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बनाना। जैसे फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना, ऐसे ही फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बनाना चाहते थे वो, जिसमें हर व्यक्ति जिसकी जो जो बालिग है उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, ऐसा एक देश बनाना चाहते थे। मकसद क्या था? कि बड़े स्तर पे लड़कों की और लोगों की रिक्रूटमेंट की जाए, हथियारबंद तरीके से हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हमें हथियार भी चाहिए, लोग भी चाहिए, उसके लिए सब सब चीजें जुटाने के लिए चाहिए पैसा, ठीक है, पैसा चाहिए। और उस पैसे के लिए, उस फंड के लिए एक बड़ा कांड कर दिया एचआरए ने। एचआरए ने काकोरी में एक बड़ी डकैती को अंजाम दे दिया, काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी 1925। काकोरी रॉबरी एचआरए का सबसे उस समय का दुरुस्त या सबसे मजबूत कदम था जो उनके द्वारा उठाया गया। 10 हथियारबंद लोगों ने 8 बोगी लंबी एक ट्रेन को 9 अगस्त 1925 को काकोरी में लूटा। काकोरी एक छोटा सा गांव था लखनऊ में। इस ट्रेन को लूटा गया और इस ट्रेन के अंदर रेलवे कैश जा रहा था, बड़ी संख्या में कैश था जो ले जाया जा रहा था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसको इन्होंने लूट लिया। सरकार का रिस्पॉन्स बड़ा क्विक था, अबे अंग्रेज थे तो पैसे के पीर, पैसे ही तो उनका था, पैसा लूट गया, अबे उनकी तो हायतौबा मच गई होगी। उन लोगों ने बड़ी तेजी से स्विफ्ट एक्शन लिया, पूरी फोर्स को एक्टिव कर दिया और काकोरी कॉन्स्पिरेसी में बड़ी संख्या में लोगों को अरेस्ट किया गया। बड़ी संख्या में यंग लड़कों को ऊपर जो है मुकदमा चलाया गया, अशफाकुल्ला खान, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, ठीक है, ये सब लोग, अशफाकुल्ला खान, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, इन चारों को तो फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है, नाम ध्यान रखना, अशफाकुल्ला खान, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, सबको फांसी की सजा दी गई और 4 और लोगों को अंडमान निकोबार जो है वो भेज दिया गया। 17 लोगों को आम जेल दी गई लंबी अवधि की। 4 लोगों को फांसी, 4 को काला पानी अंडमान जेल भेज दिया, बाकी 17 लोगों को लंबी अवधि की जेल। सिर्फ एक व्यक्ति इस पूरे ग्रुप में जो जो ये एचआरए थी, चंद्रशेखर आजाद खुले घूमते रहे। और काकोरी केस जो है ये एक बड़ा सेटबैक साबित हुआ उत्तर भारत के क्रांतिकारियों के लिए, रेवोल्यूशनरीज के लिए, लेकिन इसकी वजह से पूरे तरीके से खत्म नहीं हुई एचआरए। एचआरए का एक व्यक्ति अभी भी जीवित खड़ा था, चंद्रशेखर आजाद, और मजबूती से डटा था। उन्होंने यूपी से कई यंग लड़कों को तराशना शुरू किया और उनको जो है अपनी देश की क्रांति के लिए जो है तैयार करना शुरू किया। यूपी में बिजॉय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा और जयदेव कपूर, पंजाब में भगत सिंह, भगवती चरण बोरा और सुखदेव जैसे लड़के तैयार थे और इन्होंने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में जो है एक नया संगठन बना डाला। 9 और 10 सितंबर 1928 आ गया, 9 और 10 सितंबर 1928 को, 9 और 10 सितंबर 1928 के दिन ये उत्तर भारत में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में इकट्ठे हुए सारे क्रांतिकारी और एक नया संगठन बनाया गया एचएसआरए। पिछला वाला था एचआरए, तो ये इसमें ये नया एस जोड़ दिया गया था। एस का मतलब था, देखो यहां पे देख लो एक बार, एचएसआरए और ये एस नया जोड़ा गया था। एस का मतलब है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट शब्द कहां से आ गया? 1928 चल रहा है और सोशलिस्ट शब्द, देखो 1917-18 में रूस में एक रेवोल्यूशन हुआ था, बोल्शेविक रेवोल्यूशन,
जहां पे लोगों ने ये समझ लिया था कि राजा की सरकार जो है अब उसको चले जाना चाहिए और ऐसी सरकार को आना चाहिए जो लोगों के भले का काम करे, सोशलिस्ट आइडियाज को प्रमोट। तो इसी तर्ज पे भारत में भी ये क्रांतिकारी चाहते थे कि एक सोशलिस्ट सरकार बने कल को फ्यूचर में, जो लोगों के लिए हो, लोगों के लिए सोचे, लोगों द्वारा बनाई गई हो और लोगों के जनहित में काम, लोगों के लिए जनहित में काम भी करे। तो इसीलिए इन्होंने एचआरए को अब नाम बदल के उसमें एस जोड़ दिया, HSRA हो गई ये, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या आर्मी। अब ये तस्वीर देखो, इस तस्वीर में कुछ देख पा रहे हो? इसमें एक तरफ तो है पंजाब केसरी लाला लाजपत राय और दूसरी तरफ यहां दिख रहे हैं, यहां पे कुछ दिख रहा है, ये एक अंग्रेज अफसर है, ये हमारे लाला लाजपत राय जो है उनके ऊपर लाठी बरसा रहे हैं। और यहां पे लिखा क्या है, पंजाब केसरी हमारे कहे जाने वाले लाला लाजपत राय के इनके कुछ शब्द हैं यहां पे कि अगर मेरे पास ताकत होती भारत के हर अखबार को इन्फ्लुएंस करने की या उसमें उस तक अपने शब्द पहुंचाने की, तो मैं बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में यह लिखवा देता कि हर बच्चे को दूध मिले, हर बड़े को खाना और हर बड़े को एजुकेशन भी। मतलब इसका मतलब समझ रहे हो कि यानी उस समय की आप लाचारी समझो इस देश में, कि लाला लाजपत राय जैसा इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, समझदार व्यक्ति चाहता था कि कम से कम इस देश में जो भुखमरी चल रही है ना अंग्रेजों के चलते, इस देश में जो दो वक्त का खाना इस देश के लोगों को नहीं मिल रहा है, और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीब तबके का हाल था, पूरे देश की यही हालत थी। उस समय के लोगों की आप तस्वीरें देखोगे, हार्डली शरीर पर कोई मांस होता था, कुछ अमीर लोगों को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि खाने के लिए कुछ भी नहीं था। हालत थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं, 1840 के बाद से, वैसे तो एक चीज हुई थी 1833 के करीब, ब्रिटेन में स्लेवरी जो है वो अबॉलिश कर दी गई थी, दास प्रथा खत्म। ब्रिटेन ने, फ्रांस ने और पड़ोसी सारे देशों ने, यूरोप के देशों में सब में फ्रांस की क्रांति का, फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक असर हुआ था, सब ने स्लेवरी खत्म कर दी थी, दास प्रथा खत्म। एक एक करके जहां पे इन सभी देशों ने जहां जहां कॉलोनीज बना रखी थी, उपनिवेश बना रखे थे, वहां वहां भी दास प्रथा खत्म की जाने लगी, लेकिन भारत को छोड़ दिया गया। भारत में स्लेवरी, दास प्रथा खत्म हुई 1843 में लॉर्ड एलन बरोक के समय में। क्यों 10 साल दे दिए कि भाई उस समय क्या किया? शुरुआत ऐसे हुई कि ब्रिटेन, फ्रांस और डच, नीदरलैंड के जो सारे व्यापारी थे, उनको जहां जहां साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, जहां जहां भी दास की अपने अपने लोगों को जहां पे उनको काम करवाना था, तो उनको बहुत सारे वर्कर्स चाहिए थे। उन्हें दिखा इंडिया, इंडिया से वर्कर्स ले लेते हैं। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने यहाँ पे लोकल लोगों से कांटेक्ट करना शुरू किया और कहा, किसी ने, व्यापारी ने आके कहा, मुझे 200 वर्कर्स चाहिए, मेरा जहाज लगेगा कलकत्ता के तट पे, मुझे 200 वर्कर ला के दो। उन्होंने कहा ठीक है जी साहब, उन्होंने कहा कमीशन ले लेना, उन्होंने कहा ठीक है, कमीशन लेकर के उनको 200 वर्कर्स ला के दे दिए। शुरुआत में तो ये चला, लेकिन बाद में उन्हें ये पता था कि लोगों की स्वीकृति के बिना ले गए तो पंगा भी हो सकता है बाद में, कोई कानून बदल गया तो उन्होंने क्या किया, लोगों को जहाजों में बिठाने लगे, लेकिन उससे पहले मजिस्ट्रेट के सामने ले जाते उस व्यक्ति को। मजिस्ट्रेट जो है एक सवाल करता आम व्यक्ति से कि भैया क्या तुम अपनी मर्जी से ये जो जहाज जा रहा है समुद्र पार, तो वहां तुम जाना चाहते हो? बेचारे गरीब लोगों से पहले ही कहा जाता था, जब मजिस्ट्रेट पूछे तो हाँ में आंसर करना, हाँ जी जाना चाहते हैं, और उनको उठा के बिठा लेते थे उन जहाजों में। इस तरीके से फ्रेंच, ब्रिटिश और डच, जहां जहां भी उन्हें वर्कर्स की जरूरत थी, बड़े जिनसे बहुत मजदूरी करवानी थी, उन वहां भारतीयों को ले जाते सस्ते में कॉन्ट्रैक्ट करके कि तुम्हें 2 रुपए महीना देंगे, तुम्हें 3 रुपए महीना देंगे। इस तरीके से उन्हें जहाजों में लाद दिया जाता और 5 साल के लिए तुम हमारे साथ चल रहे हो, अपनी मंजूरी से चल रहे हो, यहां पर अंगूठा लगाओ। गरीबी भुखमरी इतनी थी, लोग 2 रुपए 3 रुपए महीने के लिए कहीं भी जाने को तैयार थे, ये नहीं पता था वापस लौटेंगे कि नहीं, कभी भी लौटेंगे कि नहीं। इसीलिए तो दुनिया में इतनी डायस्पोरा जाके बस गई, उसके बाद से लगातार ये व्यापारी आते रहे, लीगल तरीका बनाने के लिए उन सबसे अंगूठा लगवाते,
एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट करवाते और ले जाते जहाजों में बिठा के, कोई ले गया साउथ अमेरिका, कोई ले गया नॉर्थ अमेरिका, कोई ले गया अफ्रीका, कोई ले गया एशिया में फिजी जैसे देशों में, कहीं कहीं मॉरिशियस, सेशेल्स, हर जगह। कहां से भारतीय आ गए? अपनी मर्जी से नहीं गए थे, उनको बिठा के ले गए। हजारों लाखों कहानियां हैं, उन लोगों को यह नहीं पता हमारी पीढ़ियां यहां कैसे आई जो इतने दूसरे देशों में जाके बस गए हैं। पहले मजदूरी करते थे, धीरे धीरे वहीं पे रच बस गए, वहीं पे किसी तरीके से अपना जीवन बसर कर रहे हैं। साउथ अमेरिका के कुछ देशों से ऐसी खबरें आई कि वहां पे बेचारे लोगों को लगा कि यहां पे तो हम पे बहुत जुल्म हो रहे हैं, हमें देश वापस चले जाना चाहिए, वो चल पड़े पैदल। अरे उनको ये नहीं, ये उन बेचारे अनपढ़ लोगों को, गरीब लोगों को ये नहीं पता था कि समुद्र के रास्ते से ही जा सकते, जमीन से वापस जा भी नहीं सकते। वो बेचारे चल दिए, सूरीनाम जैसे देशों से निकले और अमेज़न के जंगलों में खो गए। हालत सोचो, ये हालत थी। इसलिए लाला लाजपत राय कह रहे हैं कि हर बच्चे को कम से कम दूध मिले मेरे देश में, ये हालत करके रखी थी। आज हम नहीं समझते, हमें सब कुछ मिल रहा है ना, जो अच्छे खासे जो कम से कम संपन्न परिवारों से हैं, हम ये सोचते हैं हमें सब कुछ मिल रहा है। लेकिन लाला लाजपत राय उस समय की सिचुएशन बता रहे हैं कि एजुकेशन हर व्यक्ति को मिले, उसके अलावा खाना हर व्यक्ति को मिले, दूध हर बच्चे तक पहुंचे, मेरी कम से कम ये ख्वाहिश है। ठीक है, अब देखो लाला लाजपत राय 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में जो है उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया गया। और ये घटना कब थी? ये घटना थी वो जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा था और उसका विरोध करने के लिए एक बड़ी भीड़ जमा थी, जिसका नेतृत्व कर रहे थे हमारे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, और उनके पीछे खड़े थे HSRA के कई युवा लड़के, तो पीछे से देख रहे थे, उनका साथ दे रहे थे उस भीड़ में। लेकिन उनके सामने ही अंग्रेज अफसरों ने पीट पीट कर, सर पे लाठी के वार करके लाला लाजपत राय को मौत के घाट उतार दिया। क्यों? क्योंकि वो ही थे जो उस भीड़ को जो काबू कर रहे थे और अंग्रेजों के खिलाफ उग्र आंदोलन की तरफ उकसा रहे थे। इसीलिए जानबूझ के उन्हें टारगेट किया गया और उनके सर पे लाठी मारी गई। इस तरीके से हमारे देश के महान नेता लाला लाजपत राय का निधन हुआ। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के युवा इन्होंने सोच लिया कि अपने देश के इतने महान शेरे पंजाब जो हमारे नेता थे, उनकी मौत का बदला तो लेना ही पड़ेगा और ये हमारे लिए चैलेंज है। हम युवा अगर उनका बदला नहीं ले सके तो फिर हम किस काम के। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, इन सब ने सैंडर्स नाम के एक ब्रिटिश अफसर की हत्या कर दी। लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज करने में जो लोग शामिल थे लाहौर में, उनकी हत्या तो करनी थी एक अफसर स्कॉट की जिन्होंने लाठी मारी थी, लेकिन शायद राजगुरु उन्हें पहचान नहीं पाए थे और शायद किसी धोखे में उन्होंने उनके जैसे दिखने वाले सैंडर्स की हत्या कर दी। पर सैंडर्स भी उसी ग्रुप में थे जो लाठी चार्ज कर रहे थे। मारा तो गया एक व्यक्ति, एग्जैक्टली लाला जी को मारने वाला नहीं, लेकिन उनके ग्रुप का एक आदमी मारा गया। एक पोस्टर जारी किया HSRA ने और कहा कि ये जो मर्डर हमारे हाथों से हुआ है ऐसे व्यक्ति का, जिसने जो ऐसे सिस्टम का हिस्सा था, जिसने हमारे देश के इतने महान नेता लाला लाजपत राय की हत्या की, तो ऐसे पुलिस वालों का मारा जाना सिर्फ पार्ट एंड पार्सल है, क्योंकि इन्होंने हमारे इतने महान देश की इंसल्ट की थी हमारे इतने महान नेता को मार के, तो हम, हमारी जिम्मेदारी थी, हम इसका बदला लेते, हमने लिया। ठीक है, ठीक है। तो यह भी कहा कि हम रिग्रेट करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को मारना, पर यह पार्ट एंड पार्सल था, इस इनह्यूमन व्यवस्था के खिलाफ हमें यह करना जरूरी था। और एक और चीज, अब देखो यह घटना हो गई, हत्या कर दी गई सैंडर्स की, क्योंकि हमारे लाला लाजपत राय जी को उन्होंने लाठी से मारा था तो हमने भी वापस बदला लिया। लेकिन उसके बाद HSRA ऐसे दिखने लगी, अंग्रेजों ने उसको ऐसे दिखाया कि ये तो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। HSRA के जो युवा थे उनको टेररिस्ट करार दे दिया उन्होंने। अब HSRA जो थी, इनको ये भी बताना था लोगों को, ये बताना था कि ये जो हमने किया है ये अपने देश के लिए किया है,
अपने अपने एक नेता की हत्या जो है उसके लिए हमने बदला लिया, तो इसके लिए पैम्फलेट जो है वो छपाया था। लेकिन उससे भी बात नहीं बनी। फिर एक बड़ा चीज की कि जिससे लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाया जाए कि हमारा मकसद जो है वो टेररिज्म तो बिल्कुल कतई नहीं है, हम इस देश की आवाज हैं और इस देश की आवाज को बहरे कानों तक पहुंचा के रहेंगे। उसके लिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने बॉम्ब फेंक दिया। बॉम्ब किस लिए फेंका गया था? क्योंकि वहां पर एक बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर चर्चा चल रही थी, जो नागरिकों की और वर्कर्स की सिविल लिबर्टीज को छीनने वाला बिल था। उस पर चर्चा चल रही थी और इसी के चलते अपनी बातों को अंग्रेजों तक पहुंचाने के लिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंक दिया इन दोनों लोगों ने। लेकिन मकसद था कि किसी को मारा ना जाए। ऐसी जगह बॉम्ब फेंका गया था जहां कोई नहीं बैठा था, सिर्फ मकसद था बहरे कानों तक और इस बहरी व्यवस्था तक अपनी बात पहुंचाने का। और इसके बाद ये दोनों लोग भागे नहीं, ये वहीं पर रहकर इन्होंने पैम्फलेट फेंके, लीफलेट्स थ्रो किए, जिसमें लिखा था कि हमारा मकसद क्या है, हम क्या कर रहे हैं और हम कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और इन दोनों लोगों ने अपने आप को अरेस्ट भी कराया और ट्रायल्स से भी गुजरे, ठीक है। और अगले दिन जो अखबार में खबर छपी, अखबार में खबर छपी थी रेड्स बॉम्ब इंडियन लेजिस्लेचर। रेड्स क्यों? क्योंकि भारत में जो ये क्रांतिकारी थे इनको रशिया की जो कम्युनिस्ट जो व्यवस्था के समान दिखाया जा रहा था और ये कहा जा रहा था ये उसी मानसिकता के लोग हैं। इन्होंने देखो भारत में जो संविधान जो ये कह लो जो परिषद है उसके अंदर बम फेंक दिया। ये तो नियत थी अंग्रेजों की, किस तरीके से वो किसी दूसरी संस्था के साथ भारतीय क्रांतिकारियों को जोड़ रहे थे। अब ये जो बॉम्ब केस था, असेंबली बॉम्ब केस, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त, इन सबके ऊपर, इन दोनों के ऊपर जो है वो मुकदमा चला। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और कई और क्रांतिकारियों के ऊपर मुकदमा चला। सिर्फ यही केस नहीं, कई और केसेस को मिला करके मुकदमा चलाया गया। लेकिन यहां पर ये नौजवान सब के सब बड़ी बहादुरी से कोर्ट रूम में पहुंचे और जिस तरीके से उन्होंने कोर्ट रूम का इस्तेमाल किया, कोर्ट रूम का इस्तेमाल किया अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए, वहां पे ये स्लोगन जो है वो चिल्लाते रहे, इनकलाब जिंदाबाद, डाउन डाउन विद इंपीरियलिज्म, लॉन्ग लिव द प्रोलेटेरिएट। मतलब था कि साम्राज्यवाद जो है जो अंग्रेजों का, इसका अंत हो और जो वर्किंग क्लास है, जो गरीब है, उसका उदय हो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ऐसे गाने जो हैं, और मेरा रंग दे बसंती चोला, ये सब उन्होंने गाए कोर्ट रूम में इसके जरिए। क्यों? क्योंकि कोर्ट रूम में मौजूद थी मीडिया, प्रिंट मीडिया, जो सारी बातों को अगले दिन अखबारों में छापने वाली थी, और इसीलिए उस कोर्ट रूम का पूरा भरपूर इस्तेमाल किया इन क्रांतिकारियों ने लोगों तक अपनी आवाजें पहुंचाने के लिए और ये बताने के लिए कि एचएसआरए क्या कर रही है। एचएसआरए कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो लोगों के हितों में काम कर रही है और लोगों के लिए काम कर रही है। इसके बाद सबसे पहले तो जेल में, जब जब ये लोग जेल में थे, तो उस समय देश के एक युवा क्रांतिकारी जतेंद्र नाथ दास का जेल में ही निधन हो गया। लाहौर जेल में 13 सितंबर 1929 को इनका निधन हो गया था। कारण था, जब इन्होंने एक बड़े लंबे समय तक, तकरीबन 63 दिनों तक खाना नहीं खाया और एक लंबी भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल के बाद मृत्यु क्यों हुई थी मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि, और भूख हड़ताल कर किस लिए रहे थे, क्योंकि जेल में जिस तरीके की व्यवस्था बनाई गई थी, जिस तरीके से उनको रखा जा रहा था, वो अमानवीय था। बिल्कुल गंदे जगहों पर रखा जा रहा था, खाने पीने के लिए बिल्कुल बदतर खाना दिया जा रहा था जो जानवर भी नहीं खाते, पानी, साफ पानी नहीं दिया जा रहा था। तब इन लोगों का यह कहना था कि हम पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, हमारे साथ अच्छा सलूक किया जाना चाहिए, साफ पानी दिया जाना चाहिए, खाना अच्छा दिया जाना चाहिए, अगर नहीं दोगे तो हम कोई इस तुम्हारे दिए हुए खाने को हाथ नहीं लगाएगा। और जब ये बिल्कुल दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नौजवान जतेंद्र नाथ दास
63 दिनों तक खाना नहीं खाया, उसके बाद इनकी डेथ हुई। बात मजाक में है, मेरे जैसे लोग तो 63 मिनट नहीं रह पाते। आप में से भी बहुत सारे होंगे जिनकी अभी भी चिप्स या कुछ ना कुछ कुरकुरे अभी भी चले रहे होंगे प्रास लेते लेते, लेकिन आप सोचो 63 दिनों तक एक पानी की बूंद जिसके शरीर में नहीं गई, उसका हाल क्या हुआ होगा। और फिर उनकी डेथ हुई 50 साल बाद, 50 साल बाद, 1929 में इनकी डेथ हुई थी, 50 साल के बाद 1979 में 13 सितंबर 1979 को एक स्पेशल पोस्टेज स्टैंप रिलीज किया भारत सरकार ने उनके पुण्यतिथि पर। जतेंद्रनाथ दास इस तरीके से हमें छोड़ के चले गए, लेकिन एक बात बताऊं, जतेंद्रनाथ दास की मृत्यु के बाद, जतेंद्रनाथ दास जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके शव को उनके घर कलकत्ता ले जाया गया लाहौर से। जिस रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ी गुजरती हजारों की भीड़ वहां पे पहुंच जाती थी, जब कलकत्ता पहुंचे तो 6 किलोमीटर लंबा जाम लगा। उस समय पे गाड़ियां भी नहीं थी, तब 6 किलोमीटर लंबा, एक पैर रखने की जगह नहीं थी, इतने लोग पहुंच गए थे वहां पे। उसके अलावा तीन रेवोल्यूशनरीज, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, इन तीनों युवाओं को फांसी की सजा सुनाई गई थी। 23 मार्च 1931 को ये तीनों हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। अब आते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 सितंबर 1931 को शुरू हुई और 1 दिसंबर 1931 को खत्म हुई। तो आप थोड़ा सा याद रख सकते हो, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो 1930 के एंड में शुरू हुई, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आखिरी कुछ महीनों में 1931 के, और ऐसे ही 1932 के आखिरी कुछ महीनों में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। तो एक एक साल में इस तरीके से चलती है। और कांग्रेस क्योंकि पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थी, और गांधी इरविन पैक्ट के जरिए महात्मा गांधी ने इरविन से यह समझौता किया था कि वो गांधी जी जो है वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहुंचेंगे, तो वहां पर वो भाग लेने के लिए पहुंचे भी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है कुछ समय के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कुछ समय के लिए थम गया था गांधी इरविन पैक्ट की वजह से, और अंग्रेजों ने अपनी दमनकारी नीतियां, जो बहुत ज्यादा जो जुल्म कर रहे थे, लोगों को उठा के जेलों में डाल रहे थे, वो सब बंद कर दिया कुछ समय के लिए। लेकिन इस बीच में कुछ चीजें हो गई। गेम क्या हुई कि गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931 को, उसके बाद भारत में और इंग्लैंड में दोनों जगह एक बड़ा बदलाव हो गया। दोनों जगह बदलाव हुआ क्या, कि अप्रैल 1931 में लॉर्ड इरविन को बदल दिया गया एज वॉइस रॉय। लॉर्ड इरविन वॉइस रॉय थे, अप्रैल 1931 में उनकी जगह लॉर्ड विलिंगडन को भारत भेज दिया गया वॉइस रॉय बना के। भाई जिसने समझौता किया कि भाई हम आपकी बातें सुनेंगे वहां पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, आप उनको भरोसा दिलाया, उनसे जो जो भी एश्योरेंसेस दी, वो करने वाला आदमी गायब, लॉर्ड इरविन अब है ही नहीं, लॉर्ड विलिंगडन आके बिठा दिया उधर। चलो ये भी ठीक है। कुछ महीने बाद अगस्त 1931 में जो उस समय ब्रिटेन ब्रिटेन में जो सरकार थी वही बदल गई। बदली क्या, उस समय प्रधानमंत्री थे रामसे मैकडोनाल्ड, उनकी सरकार थी और लेबर पार्टी की सरकार थी, लेबर पार्टी की सरकार थी, उसने इस्तीफा दे दिया। दोबारा से एक नई सरकार चुनी गई, नई सरकार जो चुनी गई उसमें भी रामसे मैकडोनाल्ड को ही प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन अब की बार जो मेजोरिटी पार्टी थी, जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें थी, वो थी कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी की सीटें कम थी अब की बार। गड़बड़ ये कि प्रधानमंत्री वही है, लेकिन इस प्रधानमंत्री के पास अब वो पावर्स नहीं है, और अब जिस जिनकी उसे सुननी है वो सब लोग बदल चुके हैं, वो पार्टी बदल चुकी है जो उसको डायरेक्शन दे रही है ब्रिटेन में। सर सैमुअल होर उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और उन्होंने बेसिकली जो है ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई इसमें सामने आकर के जो है वो ये कह लो अंग्रेजों की तरफ से लीड किया। किसने, सर सैमुअल होर ने। तो ये कंजर्वेटिव पार्टी के थे और इनको भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी बनाया गया था। किनको, सर सैमुअल होर। तो नाम ध्यान रखना, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दोनों बार जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रामसे मैकडोनाल्ड थे, लेकिन पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो लेबर पार्टी थी,
उसने अगस्त 1931 में इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद दोबारा से प्रधानमंत्री बने एक मिलीजुली सरकार के, लेकिन जो सबसे बड़ी पार्टी उस पूरे कोलिशन में थी वो थी कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी के ही थे सर सैमुअल होर, जिनको भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया था उस समय पे। अब इन सब चीजों के बदलाव का असर तो होना ही था। अब इसके बाद अंग्रेजों के एटीट्यूड में बड़ा बदलाव आया और अंग्रेजों ने भारत पर किसी भी तरीके का, भारत में जैसे जैसे पहले कहा था ना गांधी जी से वादे किए हुए थे, हम आपके लिए डोमिनियन स्टेटस और पता नहीं क्या क्या अंदर उनके साथ समझौते होंगे, ये सब कुछ दे देंगे। लेकिन अब एकदम से 180 डिग्री का फ्लिप, वही कहते ना वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदलने वाला था। क्यों? क्योंकि ना तो वो पॉलिटिकल पार्टी अब डोमिनेट कर रही थी इंग्लैंड में, ना वो वॉइसरॉय रह गए थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी बदल दिए गए थे, सब लोग बदल चुके थे। अंग्रेजों की तरफ से चीफ स्पोक्स पर्सन ये सैमुअल होर ही थे और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, इसमें जो नए चेहरे थे, पिछली बार वाले ज्यादातर जो भारत जो नेता पहुंचे थे वो तो थे ही, नए चेहरे कौन थे? गांधी जी कांग्रेस की तरफ से अकेले रिप्रेजेंटेटिव थे। मदन मोहन मालवीय पहली बार पहुंचे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। सरोजिनी नायडू, अली इमाम, मोहम्मद इकबाल, जी डी बिरला और एस के दत्ता, ये पहली बार सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे, पहले में नहीं थे। आउटकम क्या निकला? आउटकम ये था मैकडोनल्ड की अनाउंसमेंट। इस बार फिर से प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड ने एक अनाउंसमेंट की, ये कहा कि मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस, जहां पे मुस्लिम जो हैं वो बहुल हैं ज्यादा संख्या में, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इन दोनों इलाकों में, इन दोनों इलाकों को अलग करके नए प्रोविंसेस के रूप में बना दिया जाएगा। मतलब बेसिकली पहले ये जो है सिंध तो बॉम्बे के साथ लगता था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पंजाब के साथ लगता था, पंजाब से अलग करके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बना देंगे और बॉम्बे से अलग करके सिंध को अलग कर दिया जाएगा, ये अनाउंसमेंट कर दी उन्होंने। एक इंडियन कंसल्टेटिव कमेटी भी बनाई जाएगी, ये भी कहा मैकडोनल्ड ने। और मैकडोनल्ड ने जो है तीन एक्सपर्ट कमेटियां बनाई, एक फाइनेंस पर, एक फ्रेंचाइज पर और एक स्टेट्स पर। फाइनेंस, फ्रेंचाइज और स्टेट्स, ये सब चीजें, मतलब फाइनेंस जो है जो पैसे का जो संभालेगी, देखो बेसिकली एक कमेटी जो फाइनेंस पे बनी है वो ये देखेगी कि भाई पैसा जो है वो कहां से आएगा और कैसे टैक्सेस लगाए जाएंगे, ये सब चीजें। फ्रेंचाइज जो बेसिकली ये देखेगी कि किस तरीके से लोगों को इलेक्शन सिस्टम में शामिल करना है, किन किन लोगों को वोटिंग का अधिकार देना। और उसके बाद स्टेट्स, राज्यों की एक कमेटी बनाई गई, तीन कमेटियां बनाई गई। अब प्रॉब्लम क्या थी कि एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट कही मैकडोनल्ड साहब ने, राम से मैकडोनल्ड जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, कि भाई या तो अपने आपस में जितने भी जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपने मुद्दे सुलझा लो, नहीं तो फिर मत कहना बाद में हमने जो करना है वो कर देंगे। इसका मतलब समझो क्या था, उन्होंने ये कहा कि भाई आगे चल के हम इलेक्शन करवाएंगे, तुम बता दो किसको हम कितनी सीटें अलॉट करें, कितना जो है रिजर्वेशन किसको कितना दें, या तो सब अपनी तरफ से डिसाइड कर लो कि भाई मुस्लिम्स को इतना परसेंट, डिप्रेस क्लास को इतना परसेंट, सिखों को इतना परसेंट, सब ये डिसाइड करके, आपस में डिसाइड करके हमें बता दो। अगर तुम नहीं बताओगे सारे आपस में समझौता करके, गोलमेज सम्मेलन इसलिए तो हो रही है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसलिए हो रही है, सब मिलके बात कर लो, नहीं करते कुछ भी डिसाइड, तो फिर हम अपनी तरफ से किसी को भी जितना रिजर्वेशन देना, जितना अपना मन करेगा उतना दे देंगे। रेवड़ी बांटना बोलते हैं इसे, रेवड़ी कल्चर, ठीक है। कम्युनल डेडलॉक उसके बाद, लेकिन सारी अलग अलग कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करने वाले नेता इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई भी नतीजे पर पहुंच नहीं पाए। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है उसमें कोई नतीजा नहीं निकला कि किसको कितना रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, पंगा फंस के रह गया, क्योंकि सब अपने लिए ज्यादा चीजें चाहते थे, कौन दूसरी कम्युनिटी को ज्यादा रिजर्वेशन देना चाहेगा। गांधी जी को पता था कि ये कम्युनल प्रॉब्लम जो है हमारी खत्म ही नहीं हो सकती, जब तक अंग्रेज पावर ट्रांसफर ना करते तब तक हम बात कोई समझौते पे आ ही नहीं सकते। माइनॉरिटीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको ये लग रहा था कि भाई हमारी बातें नहीं सुनी जा रही या हमें ये रिजर्वेशन देना नहीं चाहते, इसलिए उनके जो मेजोरिटी कम्युनिटी से उनके साथ जो है तल्खियां बढ़ती जा रही थी। गांधी ने कहा मोहम्मद अली जिन्ना से खासतौर पर इस समय कि भाई कोई समझौता कर लेते हैं
अंग्रेजों से हटके अपने आप जाकर के एक समझौता कर लेते, लेकिन उस पर भी कोई सहमति नहीं बनी। उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और सेकेंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ आगे चल के। अब इस पर चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। सेकेंड फेज सिविल डिसोबीडियंस का जो शुरू हुआ वो कब हुआ, क्योंकि अब ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, कोई नतीजा नहीं निकला, सारी कम्युनिटीज के लीडर्स आपस में मिलकर ये भी डिसाइड नहीं कर पाए कि किसको कितने रिजर्वेशन मिलेंगे जब भी फ्यूचर में इलेक्शन होगा तो, ठीक है, कुछ डिसाइड नहीं हो पाया। जैसा डोमिनियन स्टेटस की कोई बात, वो तो बात छेड़ी भी नहीं गई कहीं पे भी, ठीक है। गांधी जी बिल्कुल डिसअपॉइंटेड वापस लौटे। जब वो वापस लौटे तो उसके बाद बहुत ही जल्दी उन्होंने आते ही जो है सिविल डिसोबीडियंस को दोबारा से, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा से शुरू करने का फैसला लिया, क्योंकि जो भी वादे किए गए थे लॉर्ड इरविन के द्वारा वो कोई निभाया नहीं गया, कोई बात ही नहीं हुई थी उन मुद्दों पे, तो अब क्या होना था अब की बात। लेकिन सरकार तैयार बैठी थी, सरकार तैयार बैठी थी। उन्होंने ये कहा कि हम अब तुम्हारी किसी भी तरीके की कोई जो जो भी ये तुम कानून तोड़ने वाले काम कर रहे हो इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके बाद इतना भयंकर रिप्रेशन जो है वो हुआ सरकार की तरफ से, बच्चों को नहीं देखा, बूढ़ों को नहीं देखा, औरतों को नहीं देखा, सबके ऊपर लाठियां बरसाई गई, उठा के जेलों में डाल दिया गया, सारे कांग्रेस के नेता उठा के जेलों में, गांधी जी उठा के सबको जेल में डाल दिया। इससे पहले कांग्रेस कोई टेम्पो बिल्ड करती, लोगों को समझाती, उससे पहले ही लोगों को, बड़े नेताओं को उठा के जेलों में डाल दिया गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पिछली बार तो इतना ऑर्गेनाइज दिख रहा था जो पिछली बार शुरू हुआ था, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले जो हुआ था, लेकिन अब तो वो टेक ऑफ करने से पहले ही क्रैश लैंड कर गया था, ठीक है। तो बाकी इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर धीरे धीरे कमजोर पड़ता चला गया। और रीजन तो वही है, वैसे आप समझ ही गए होंगे कि उसके बाद कोई टेम्पो बिल्ड ही नहीं करने दिया अंग्रेजों ने। उन्होंने आते ही लोगों को उठा के जेलों में डालना शुरू कर दिया। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो दूसरा फेज आया सिविल डिसोबीडियंस का, उसमें उन्होंने बिल्कुल भी लोगों को तैयारी करने का, कांग्रेस को तैयारी करने का कोई मौका नहीं दिया। चलो ठीक है यार, ये क्या कर रहे हो तुम, ये खुद ही लड़ने लग जाते हो भाई। एक बात बता दूं आपके लिए, सही रिकमेंडेशन मैं दे देता हूं, क्योंकि हम बहुत सारी बातों पे चर्चा करते हैं। आप लोग कोशिश करो शुरू में जब क्लास शुरू हो तो कुछ चैट बॉक्स में कुछ चीजें लिख दो और लास्ट में लिख दो, बाकी चैट बॉक्स ऑफ रखो यार। बीच में आप एक दूसरे के साथ बिना मतलब की बातें करते हो, उसका कोई फायदा नहीं है। गप्पे मारनी हो तो आप अपने बाहर दोस्तों के साथ मार लो यार। यहाँ पे ना एक होता है कि अगर टीचर का उन पे नजर चली जाए तो डिस्टरबेंस होती है, आपस में एक दूसरे को डिस्टरबेंस होती है, आप एक दूसरे का भी भला नहीं कर रहे हो। जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं वो दूसरे को भी पढ़ने नहीं देते क्लास में। क्लास में आप ध्यान से पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपके काम आएगी पेपर में। अगर आप लोग सीरियस नहीं हो तो फिर फायदा नहीं कोई भी क्लासेस। आप चैट बॉक्स को ऑफ कर दो जब आपकी क्लासेस चलती हैं, शुरू में कुछ कमेंट करके बाद में बंद कर दो, कोई भी कमेंट ना करे, लास्ट में कमेंट करो जब अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो। मुझे पता है बीच में तो फालतू बातें ही होती हैं, ठीक है, आप लोग बिना मतलब की बातें डिस्कस करते हो और उसका कोई फायदा नहीं। जो जो सीरियस स्टूडेंट्स है ना उनको ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए कम से कम, ठीक है। बुक बेटा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो, बाकी मैं आज ये वाली पीपीटी पूरी अपलोड करा दूंगा और जो यहां तक के नोट्स है वो भी आज अपलोड करा दूंगा, चिंता मत करो। इसमें से आप एक बार पढ़ लो जो मेरे पास से नोट्स ले रहे हो, उसके बाद रिवाइज आप स्पेक्ट्रम से कर सकते हो, ठीक है। स्पेक्ट्रम से कर लो तो फिर आपको क्या होगा कि जो चीजें कुछ एक आधा पॉइंट कोई एक सोर्स में रह जाता है तो दूसरा सोर्स उसमें रही कमी पेशी पूरी करने के लिए होता है। स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी किताब है, आप उससे भी बाद में पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने पूछा भी था कि स्पेक्ट्रम पढ़ने से, हाँ बिल्कुल सही है, उसे पढ़ सकते हो, ठीक है। पर लूसेंट जैसी किताबें नहीं भाई, वो बहुत छोटे शॉर्ट में होती हैं, उनको तो मैं करियर बर्बाद करने वाली किताब कहता हूं। लूसेंट नहीं पढ़नी है, ठीक है, पढ़नी है तो स्पेक्ट्रम पढ़नी है मॉडर्न हिस्ट्री। लूसेंट शॉर्टकट में वो उन लोगों के लिए होता है भाई जो पहले तैयारी कर चुके हैं, बस वो शॉर्टकट में रिवाइज कर रहे हैं। अब यार आप थोड़ी, अगर अच्छे से पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल भी ऐसे शॉर्टकट वाली किताबों को रेफर मत करो।
ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो, वैसे आगे तो मैं कह सकता हूँ बिपिन चंद्रा वगैरह, पर वो यूपीएससी सीएससी के लिए ठीक है, आप स्पेक्ट्रम पकड़ो और बस उतना बहुत है, ठीक है। बाकी हम एमसीक्यूज कराते रहेंगे, उनको आप देखते रहना, और उससे आपको और बाकी टेस्ट सीरीज के थ्रू आप बहुत ज्यादा जो है अच्छा कर पाओगे परफॉर्म, मुझे ये उम्मीद है। बाकी जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने पे काम कर रहा हूं, इससे ये होता है कि मैंने आपको काबिल बना दिया। मैं आपको हर चीज पकड़ पकड़ के, ये छोटे छोटे पॉइंट नहीं करा सकता, लेकिन मैं आपको इस काबिल बना सकता हूं कि जब आप किताब देखें तो आप उसको पूरा समझ सकें। काबिल बनने के लिए पढ़ो, कहा ना बाबा रणछोड़ दास ने, काबिल बन, ठीक है जी, चलो।